Welcome back to the channel. कल जहाँ पे व्लॉग एंड किया था वहीं से शुरू हो रहा है. मैंने बताया था पहले वाले व्लॉग में कि ये कॉफ़े कॉफ़ी डे की जो मशीन का अनबॉक्सिंग है अपन मैं दूसरे वाले व्लॉग में करूँगा. सो लेट्स सी कैसा है क्या है. मतलब इसमें दो मॉडल थे, मैंने एक दूसरा वाला मैंने सेलेस्टा करके मॉडल मंगाया, मतलब कोलैब में जब बात हो रही थी कंपनी के साथ वो सब, तो अपन ने ये वाला बात किया. नाउ लेट्स अनबॉक्स द कॉफ़ी मशीन. बहुत यार बहुत मज़ा आने वाला है. कॉफ़ी का, कॉफ़ी और मिल्क का रखने का अगर ये सब रहेगा, ये कैन पे डालने का, ये सब कॉफ़ी का सामान है. कॉफ़ी मशीन के ऊपर का ग्राइंडर वगैरह वो सब है. ठीक है, वो इंस्टॉलेशन तो कल होगा, लेकिन अभी अपन तब तक मशीन को कहीं पे सेट कर देते हैं और ये सब जितना अपने को समझ रहे उतना करके रखते हैं. लेट्स सी. व्हाट इज़ अप लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज मैं मतलब ऐसे सोचा, आज थोड़ा सा हाथ मेरा ऐसा ठीक लग रहा था, मेरे को लग रहा था कि मैं बाइक चला सकता हूँ, तो एक बार बस ट्राई कर रहा हूँ. अगर मैं चला सका, मेरे को लग रहा है कि आई कैन, वो हाथ उतना पेन नहीं कर रहा है, या फिर मैं चला सकता हूँ, देन वील गो. अदरवाइज़ फिर मैं किसी को बुलाऊँगा, बस या किसी को जो मेरे को ड्रॉप करने को आएगा. उसके अलावा आज एक बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग न्यूज़ तुम लोगों के साथ शेयर करने का है. एक्साइटिंग न्यूज़ नहीं, मतलब ऐसा समझो कि कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है जिसके बारे में मेरे को तुम लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बाकी आज का आउटफिट मेरे को बहुत ज़्यादा सही लग रहा है, एकदम ऐसा ब्लैक शर्ट, ग्रे जीन्स, वाइट शूज़, एकदम फटे. ब्लू पहनने वाला नहीं, मैं ब्लू जीन्स मिल नहीं रहा यार, ऐसा ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स और वाइट शूज़, मतलब बंदा फ्लैट. वह ठीक है यार, अभी तक तो मैं अच्छा खासा चला दिया हूँ, मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ पेन नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा ऐसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, मतलब ऐसा बहुत अलग सा लग रहा है कि वैसा ड्राइव अगर जब कर रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन से आदत नहीं थी, और अभी जब ऐसे एकदम से राइड कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा ऐसे अलग वाला वाइब आ रहा है. बट ठीक है यार, मतलब ऐसा ड्राइव करने थोड़ा सा अलग लग रहा है, और गाड़ी एक जगह पे आवाज़ भी कर रही है, क्योंकि आई गेस वो मड़गाड़ के उधर का कोई नट बोल्ट निकल गया है, तो मे बी आज नहीं तो कल अपन शोरूम पे जाएंगे और फिर उसको एक बार मैं फिर से बोल दूँगा. एक बार हुबली में तो मैंने चेकअप करा दिया था, जहाँ पर अपन ने गाड़ी जब वो गिरी थी और जब आई थी, बट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इधर भी एक बार फिर से चेकअप करा लूँ, पूछ लूँ, पूरा चेक करवा लूँ कि भाई सब कुछ सही है या नहीं है. बाकी तो वैसे अभी अपन मॉल आए, गोना बी गुड. अरे बाबा, मैं मतलब जो तुमको सुबह से बता रहा था ना कि बहुत एक बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ होने वाली है, कुछ ऐसा मतलब जो मेरे को तुम लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अभी अगर तुम लोग देखोगे तो कैफ़े ऑलमोस्ट ऐसा क्लोज टाइप है. फॉर दी नेक्स्ट 2-3 डेज़ हम लोग सिर्फ जोमेटो और जो टेक अवे रहेगा उस पर हम लोग एक्टिव रहेंगे, सिर्फ जोमेटो और टेक अवे पर, क्योंकि डाइन इन अभी थोड़ा सा बंद है. आई टेल यू व्हाई, कैफ़े हो रहा है यार रेनोवेट, कैफ़े थोड़ा चेंज हो रहा है. ऑलमोस्ट अभी 2 साल होने को आ रहा है, मतलब अपन ने जनवरी में स्टार्ट किया था 2018 आई गेस, तो फिर अभी 2 साल होने वाला, तो फिर थोड़ा सा इंटीरियर, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही इंटीरियर चेंज हो रहा है. तो पहले अभी इधर जो फ्रेम्स वगैरह थी वो सब निकल गई, बुक शेल्फ था वो निकल गया, ये सब रहेगा, बट इसका थोड़ा बैकग्राउंड चेंज हो गया, थोड़ा सा सीन चेंज होगा. बाकी ये अपना कॉफ़ी डे का मशीन इधर इंस्टॉल हो गया, अभी तक चालू हुआ नहीं है कॉफ़ी डे का मशीन. मेजर रीज़न अभी ट्रेनिंग और थोड़ा बहुत स्टॉक वगैरह आना बाकी है, ऑलमोस्ट ऑल कल हो जाएगा. उसके अलावा अब जो रिनोवेशन हो रहा है, मैं पूरा फाइनल पिक्चर अभी तुमको नहीं दिखाऊंगा भाई, थोड़ा सा सस्पेंस में रहना ज़्यादा ज़रूरी है. लेकिन इधर ये काम चालू हो गया, अभी वो लोग सिर्फ स्केचिंग वगैरह कर रहे हैं, एंड ये सब स्केचिंग वगैरह होने के बाद देन दे विल स्टार्ट विथ पेंट एंड वो सब. रात भर काम चलने वाला है, फटे वाले मज़े आने वाले. लेकिन जो जो हो रहा है ना, मतलब जो रिनोवेशन जो होने वाला है, लाइट्स चेंज, इंटीरियर चेंज, मेनू चेंज, फटे वाला एकदम. अभी जो मज़ा आएगा ना कैफ़े में, बहुत सही. बाकी उसके अलावा ये आर्टिस्ट से मिलो भाई, ये इन्होंने ये भी किया हुआ है, ये भी जो किया हुआ है इन्होंने ही किया हुआ है. तुम में से बहुत लोगों ने मेरे को उनका नंबर वगैरह पूछा था, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
तो अगर तुम्हारे को कुछ पेंटिंग वेंटिंग कराना होगा तो उनको कांटेक्ट करो। बाकी और एक है, इनसे तो मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ, इनसे पहले भी मिला हुआ था, बट यार फटे। अरे बाबा, इधर जो अभी लिखा हुआ है वो तुमको ऐसा क्लियरली दिख नहीं रहा होगा, बट अभी इधर पेंट का भी काम चल रहा है। उधर एक वो चीज़ लिख रहे जो मेरे को तुम लोगों को दिखाने का नहीं है अभी। वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ वाला जो वर्ड है ना वो उधर है। अगर तुम लोगों को गेस हो सकता है कि क्या लिखा हुआ है तो कमेंट करो। बट बाकी ये मस्त हो रहा है, इधर भी हो रहा है और फिर इधर भी होगा। ये वाला सेम रहेगा बट इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बट बहुत सही लगेगा यार। अभी तो रात भर काम चलने वाला भाई, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। एग्जैक्ट भिंडी 3 बजे है अभी, ऐसा मतलब सब पैक वगैरह कर दिया, लोग पेंटर्स वो भी जा रहे हैं अभी। बट मतलब ऐसे अभी मैं तुमको फाइनल पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, अभी तुम एक्सपेक्ट मत करो कि मैं फाइनल पिक्चर दिखाऊंगा। वैसे तो अभी पूरा फाइनल पिक्चर हुआ भी नहीं है, सिर्फ एक वॉल का भी समझो 60% काम हुआ और बहुत सारा काम ऐसे तो बाकी है। लेकिन फाइनल पिक्चर अब तुम्हें नहीं दिखेगा, अब तुम्हें बस बाकी अपडेट्स दिखेंगे, बट मज़ा आने वाला है। अरे उधर से काम भी हम करके ना, ऐसा मेरे को मतलब सब बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था और ऐसा नींद भी नहीं आ रहा था, तो फिर मैं सोचा कि इधर मतलब बस स्टैंड के इधर ऐसा है कि शॉप है, अभी मैं ऐसा फ्लैश लाइट डाल के दिखा रहा हूँ तुम लोगों को, जहाँ पे ऐसा पोहे वगैरह मिलते हैं सब मस्त। ऐसा रात में 3 बजे को चालू होता है इधर पोहे, एग्जैक्ट बस स्टैंड के बारे चाचा है। रात में 3 बजे मस्त पोहे, शीरा, उपेट, चाय, कॉफ़ी नहीं मिलता, चाय और क्या है, और पानी भी नहीं, सब कुछ है। लेकिन यार बहुत मज़ा, मतलब बहुत टाइम पहले मैं इधर आया था तो अभी ऐसा इतने टाइम बाद आ गया ना, ऐसा एकदम सही लग रहा है बस स्टैंड के बाहर। और ये मेरे साथ ये सोहन भी आया है, सोहन तो मतलब ऐसा उधर से मॉल में काम करता है, तो वो भी नाइट ड्यूटी काम कर रहा था, मैं सोचा उसके वो भी लेके आते, तो फिर भाई यार मस्त है एकदम अभी अपना ये। जिस केम बैक होम मतलब फ्रॉम ए रियली 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 वेरी लॉन्ग डे एंड ए वेरी हेक्टिक डे। बट ठीक है यार, अभी कुछ वजह है, अभी कितने 3:52, ठीक है अभी जाके, अभी एकदम से तो नींद नहीं आई, 15-20 मिनट लगेगा नींद आने को, मतलब 4:30 तक मैं सोऊंगा, 4:30-4:20 तक सोऊंगा। और सुबह मेरे को 10 बजे से पहले कैफ़े को फिर से टच होने का है, क्योंकि काम है भाई। कल सुबह पेंटर्स आएंगे, कॉफ़ी मशीन वाले आने वाले हैं, फर्नीचर वाले आने वाला है, लाइट वाला आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा काम है, बहुत कुछ है। पर ठीक है, इट्स गोना बी ग्रेट, इट विल ऑल पे ऑफ सम डे, बहुत वाला मज़ा आएगा यार, फटे वाले जो हो रहा है। देखो यार मैं दिल से कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है अपने आप को, ऐसा नहीं है कि अपन है ना ज़बरदस्ती ये काम को कर रहा है अपने, वो बहुत मज़ा आ रहा है। 4 बजे जग के भी है ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि भिंडी 4 बजे तक जगा, ऐसा लग रहा है अरे भाई 4 बजे तक जगा, ऐसा मतलब एकदम ऐसा पॉजिटिव वाली फीलिंग आ रही है, एकदम ऐसा गुड वाली फीलिंग आ रही है। पर ठीक है, आज का लॉक बाबा अपन इधर ही रखते हैं। बाबा अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख और टेंशन ले मत, क्योंकि ये लेने की नहीं देने की चीज़ है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, सी यू गाइस टुमारो, टिल देन शवा खैर, गुड बाय।